आज की मेडिसिन है पेट्रोलियम। तो स्टार्ट करते हैं। इसका कॉमन नेम है क्रूड रॉक ऑयल। ठीक है, ये उन पर्सन के लिए ज्यादा सूटेबल होती है जिनकी लाइट हेयर स्किन होती है या फिर क्वारलसम डिस्पोजिशन होता है, काफी ज्यादा झगड़ालू टाइप के। टेम्परामेंट की बात करें तो इरिटेबल टेम्परामेंट या फिर क्वारलसम टेम्परामेंट, जो कि छोटी छोटी बात को ऑफेंड कर जाए। थर्मली बात करें तो पेट्रोलियम जो होती है चिली मेडिसिन है एंड सोरा म्याज से बिलोंग करता है। डायथेसिस की बात करें तो स्कोरोफ्लस डायथेसिस है। कंस्टिट्यूशन में हम बात करेंगे तो इनको स्किन इरप्शंस बहुत जल्दी हो जाते हैं या फिर ये सफर करते हैं क्यूटेनियस इरप्शन से, जीआईटी डिसऑर्डर से, तो ये काफी ज्यादा प्रोमिनेंसी देखने को मिलती है। कॉजेशन की बात करें तो इसकी सारी कंप्लेंट्स राइडिंग इन अ कैरिज से बढ़ती है, शिप से या ट्रेन से, किसी में भी राइडिंग करेंगे तो इससे इनकी कंप्लेंट्स एग्रेवेट हो जाती है या फिर कॉज हो जाती है। कैवेज ईटिंग से, डर की वजह से या फिर वैक्सीनेशन की वजह से। नेक्स्ट हम बात करें इसके गाइडिंग सिम्टम्स को लेके, तो सिम्टम्स जो होते हैं वो विंटर में वर्ष करते हैं, जिसमें क्रैकिंग हो जाती है स्किन्स में या फिर फिशर्स बन जाते हैं, थोड़ी बहुत भी लिटिल इंजरी हो गई तो जिससे सेपरेशन कॉज हो गया, और बहुत वायलेंटली इचिंग होती है। सिम्टम्स इसके अचानक से आएंगे और अचानक से चले जाएंगे, रैपिडली सिम्टम्स आते हैं इसके। स्टमक में एम्प्टी फीलिंग लग रही है जो कि ईटिंग से एम्लोरेशन होता है। फाउल स्मेलिंग होती है, ठीक है, पूरी हॉल ऑफ द बॉडी से फाउल स्मेलिंग होती है स्वेट। डायरिया ओनली डे टाइम देखने को मिलता है। मीट से इनको अवर्जन होता है और फैटी फूड से। एलिमेंट्स की बात करें तो इनको थंडर स्टोम से पहले या थंडर स्टोम के बाद में कंप्लेंट्स वर्स कर जाती हैं। लॉन्ग लास्टिंग एलिमेंट्स देखने को मिलता है मेंटल स्टेट की वजह से, फ्राइड या फिर वैक्सीनेशन की वजह से, जो कि कॉजिशन में बात की थी। नेक्स्ट हम बात करें इसके मेंटल सिम्टम्स को लेके, तो पेशेंट काफी ज्यादा कंफ्यूज स्टेट में रहता है और छोटी मोटी बात को ऑफेंड कर जाता है। ड्यूरिंग स्लीप या फिर डिलीरियम उसको ऐसा लगता है कि उसका वन लेग जो है वो डबल हो गया है, या फिर उसके बेड पे सेम साइड पे अनदर पर्सन भी लेटा हुआ है, या मदर को ऐसा डिल्यूजन होता है कि दो बेबीज बेड पे लेटे हुए हैं। तो इस टाइप का डिल्यूजन काफी ज्यादा मार्क्ड होता है पेट्रोलियम में। सैडनेस देखने को मिलती है, डेस्पोंडेंसी, या फिर जो कि बहुत जल्दी रोज आते हैं पल्स की तरह, सीपिया की तरह। मेलनकोली मूड होता है, सैडनेस देखने को मिलता है, क्वारलसम डिस्पोजिशन, काफी ज्यादा झगड़ालू टाइप के होते हैं। फैमिली के लिए इनको एंजाइटी रहती है, जैसे कि काली ग्रुप को काफी ज्यादा रहती है। इनको ऐसा फील होता है कि इनकी जो डेथ है वो नियर है, जिसकी वजह से वो हेडेक करते हैं हर काम को लेके। हेड सिम्टम्स की बात करें तो जैसे ये सो के उठेंगे या फिर बैठ के उठेंगे तो इनको वर्टिगो होना चालू हो जाएगा। ऑक्सीपुट में ऐसा सेंसेशन होता है कि इंटॉक्सिकेटेड जैसा फीलिंग, ठीक है, या फिर सी सिकनेस हो जाती है, जैसे ही सी साइड पे जाता है तो उसको वर्टिगो होना चालू हो जाता है। हेडेक भी इसका टेम्पल्स रीजन में, जिसको प्रेशर से आराम मिलता है। शेकिंग, अपने हेड को अगर टर्न करेगा, शेक करेगा तो उसको हेडेक एग्रीवेट कर जाता है, या कफिंग के टाइम पे। सी सिकनेस को इसको डेडली नॉजिया हो जाता है, फेस उसका पैलर हो जाता है, पूरा पेल फेस हो जाता है, बॉडी में कोल्डनेस जैसी फीलिंग देखने चालू हो जाती है, या फिर बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो रही हो, एग्जॉशन हो रहा हो, फैनिंग से इसको आराम मिल रहा हो, लेकिन वार्म चीजों से एग्रेवेशन होता है, तो ये टवेकम का सिम्टम है।
हेडेक को, इसको ऐसा सेंसेशन होना चालू हो जाता है कि जो इसका हेड है वो वुड का बना हुआ है, ब्रश सेंसेशन होना चालू हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें इसके जीआईटी के सिम्टम्स में, तो सबसे पहले स्टोमक काफी ज्यादा हर्ट वन होता है, सोर इरेक्टेशन देखने को मिलता है या फिर स्टोमक डिस्टेंटेड हो रहा है, एम्प्टी फीलिंग होती है जिसको खाने से आराम मिलता है, एनाकार्डियम है, चिलिडोनियम है या फिर एलियम सीपा। फैटी फूड से अवर्जन देखने को मिलता है, स्टूल के बाद में उसको तुरंत भूख लग जाती है, प्लस नॉजिया जैसी फीलिंग होना चालू हो जाता है और माउथ में वाटर का एकोमुलेशन होता है। रैवनस हंगर होती है जिसमें रात में उठ के खाना चालू हो जाता है, या फिर एब्डोमेन की बात करें तो इसको डायरिया ड्यूरिंग डे टाइम रहता है जो कि वाटरी डायरिया रहता है और गशिंग टाइप का, टॉटन टिक जैसा। एनस रीजन में काफी ज्यादा इचिंग होती है, कैविज ईटिंग से इसको डायरिया हो रहा है और नाइट में इसको रिलीफ देखने को मिलता है। स्किन सिम्टम्स में बात करें तो नाइट में इचिंग होती है काफी ज्यादा, चिलब्लेन्स होते हैं जो कि काफी ज्यादा वन करे या फिर इचिंग बहुत ज्यादा हो रही हो, स्किन क्रैकिंग हो रही हो और बहुत ज्यादा सेंसिटिव स्किन हो गई, थोड़ा बहुत भी स्क्रैच कर रहा हो तो सेपरेशन हो रहा हो। तो यस, इसकी कंडीशन ग्रीनिश जैसा क्रस्ट हो रहा हो या फिर बर्निंग सेंसेशन हो रहा हो। ठीक है, इसका जो भी एक्जिमा की कंडीशन है वो विंटर में एग्रेवेट करती है जब तक कि वो स्क्रैच करता रहेगा, जब तक कि उसमें से ब्लीडिंग ना हो जाए। कुछ कंपैरिजंस हैं पेट्रोलियम एंड ग्रेफाइटिस में बात करें तो पेट्रोलियम में क्रैक्स एंड फिशर्स प्रेजेंट होते हैं, ग्रेफाइटिस में क्रैकिंग और फिशर्स प्रेजेंट होती है स्किन पर, लेकिन इसकी जो ऊजिंग होती है वो थिन और वाटरी होती है, लेकिन इसकी ग्रेफाइटिस की स्टिकी होती है, चिपचिपा सा निकलता है, हनी लाइक डिस्चार्जेस होते हैं या ट्रांसपेरेंट डिस्चार्जेस होते हैं। नेक्स्ट हम बात करें पेट्रोलियम और रस्टॉक्स में कंपैरिजन, तो इसमें जो वेसाइकल्स होते हैं जिसमें काफी ज्यादा इचिंग हो और स्टिंग टाइप का सेंसेशन, बर्निंग काफी ज्यादा हो रही हो, लेकिन आरटी में क्या होता है, जेनेटल्स में इंफ्लामेटरी कंडीशंस देखने को मिल रही हो, एक्जिमा में, लेकिन इसमें लार्ज ब्लेब्स होंगे, लार्ज वेसाइकल्स होंगे। ठीक है, लेकिन पेट्रोलियम में स्मॉल वेसाइकल्स देखने को मिलते हैं। मोडरिटीज की बात करें तो इसका एग्रीवेशन होता है डैम्पनेस से, बिफोर एंड ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म, राइडिंग कैरिज से, विंटर्स में या फिर मेंटल स्टेट्स में। ठीक है, इसको आराम मिलता है समर सीजन में और लाइन विद हेड हाई, अगर इसका हेडक हो रहा है तो हेड को हाई करके लेटेगा तो इसको आराम मिलेगा, वार्म एयर में रिलीफ देखने को मिलता है। एक ग्रेफाइटिस का भी पैक्यूलर सिम्टम्स होता है कि उसको शोर शराबा वाले एरिया में ज्यादा सुनाई देता है। ठीक है, थैंक यू।